দিতে পার মোবাইল এর আস্তে তো মাইক্রো সিলি দাও तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप, जिसका मैंने लाइव किया था ये वो स्वारा में, अभी इसको मैं शिफ्ट करने वाला हूँ इस टोकरी में। ये जो टोकरी है इसमें अभी शिफ्ट करने वाला हूँ, उसके बाद साइंटिफिक में शिफ्ट करूँगा इसको घर में जाके। ये मैंने सिर्फ ट्रैप के लिए रखा है ये वाला बक्सा। कट्टी के वजह से जो ही मेरे पास बड़ा वाला चम्मच है, इसकी मदद से हमें ये अंदर से निकालना है। धीरे 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 करके बिल्कुल हल्के हाथ से। वो थोड़ा सा फूंक भी मारना पड़ता है तो हनी भी जल्दी जाती है टोकरी के अंदर। ऐसे फ्रेंड धीरे 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 करके शिफ्ट करना पड़ता है। लॉन्ग है उसे शिफ्ट साइंटिफिक में। पहले हम टोकरी में भर देंगे इनको। हमारे पास ये बड़ा चमचा है,
ये दबाना नहीं पड़ता, अगर हम दबाएंगे तो मधुमक्खियाँ इसके अंदर दब जाती है। एक बार क्वीन इस टोकरी में चली गई तो फिर जल्दी आ जाती है। वापस यही चला जाएंगे, गुस्सा पता क्लच ट्राई है यार यार का वो भाई का क्लच ट्राई है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो ये मैंने टोकरी भर दी और ये भी अंदर की सिचुएशन है, आप देख सकते हो ये क्वीन तो चली गई इसके अंदर टोकरी के अंदर। अभी ये धीरे धीरे करके पूरा झुंड बाहर आएगा इसमें से, कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई चीज़ नहीं, ये देख सकते हो आप। ये देखिए आराम से अभी जा रही है ये टोकरी के अंदर खुद ब खुद। एक बार क्वीन चली गई अंदर फिर उसके साथ ये पूरा झुंड आ जाता है अपने आप ही। 6-7 फ्रेम का तो होगा लगभग, एक ने तो पोलन भी लेके आया है, ये देख सकते हो आप अगर वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, एक ने पोलन भी लाया था, ये अभी आया था अभी जस्ट मतलब 4-4:30 के आसपास मुझे आया था। इस वक्त 5:45 हो गए, मैं इनको अभी शिफ्ट कर रहा हूँ, ये मुझे घर से 1 किलोमीटर दूर है। ये मैंने रखा है अपने बाग में, एक शेड बना के रखा है हमें, उधर ही हमने लगा के रखा है ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।